أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان الله। तर्जमा समाप्त कर लेते हैं शुरू ही में। रब्बुकुम तुम्हारा रब, अलमू खूब जानता किस चीज़ को, रब्बुकुम अलमू बिमाफी नफूसिकुम जो कुछ तुम्हारे दिलों में, हमारा रब उसे खूब जानता। उसके बाद इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम लायक हुए, हम कहते हैं ना हाँ आप इस काम के लायक हैं, आप इस काम के काबिल हैं, अगर इन तकूनु सालिहीन अगर तुम लायक हुए, फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अब इसका समझें, इसके तर्जुमा और तफसीर को। बात चली वालिदैन के एहसान, हुस्न सलूक करो उनके साथ, अच्छा बर्ताव करो, नरमी वाला बर्ताव करो उनके साथ, उनको डांट डपट झड़कना ये सब ना हो, ठीक। साथ साथ उनके लिए दुआएं करो, मौला इन्होंने जितने एहसानात मुझ पर किए उसका बदला मैं अदा नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता, तू महज अपने फजलो करम से उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा। ये चीज़ थी। अब इसके बाद फरमाया जा रहा है रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, कुछ बंदे ये माँ बाप की जो खिदमत करते हैं, कैसे खिदमत करते हैं, जल्दी मरे तो हम जायदाद पे कब्जा करें, रहता ना यह यकीनन करते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करती है, उसके पीछे असल राज और मकसद क्या होता है, जो इतनी सारी प्रॉपर्टी जमा करके रखी है ये जल्दी जाए तो हम इस्तेमाल करें उसको, एक ये चीज से खिदमत करते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे ऐसे होते हैं कि वो माँ बाप की खिदमत अपनी आखिरत को बनाने के लिए करते हैं कि हमारे माँ बाप का साया हम पर रहे, उनकी दुआएं लेते रहें, उनके साये आतिफत में हम रहें, इसलिए खिदमत करते हैं। या ये फरमाया जाए रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे दिलों की कैफियत खिदमत करने में जो है तुम्हारा रब इसको बेहतर जानता है। तुम खिदमत क्यों कर रहे हो, भाई तो जान नहीं रहा लेकिन वो रब जानता है कि किस अंदाज से कर रहे हो। जायदाद जल्दी इस्तेमाल कर सके इसलिए, मतलब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, अपनी दुनिया बनाने के लिए खिदमत कर रहे हो या अपनी आखिरत संवारने के लिए खिदमत कर रहे हो, ये तुम्हारे दिल के अंदर जो है छुपा बैठे हो इसको रब जानता। देखें हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा जलील हो, वो बंदा रुसवा हो जाए, सहाबा किराम चौंके, सहाबा किराम ने अर्ज किया आका आप किस बंदे के बारे में कह रहे हैं कि रुसवा हो, जलील हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम उसके बाद इरशाद फरमाते वो बंदा जलील और रुसवा हो कि जिसने अपने बूढ़े माँ बाप का जमाना पाया, अपने बूढ़े माँ बाप को पाया लेकिन उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती ना बना सका, उस बंदे पर जिल्लत और रुसवाई। बाप हम और हम सोचे कि बूढ़े माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप हों तो वो ऐसे होते हैं कि अगर उनकी खिदमत हकीकत में हो जाए, रस्मन ना हो। आज हमने बहुत सारे काम रस्मन बना लिए, रस्मन नमाज पढ़ने इसलिए आ जाते हैं भाई हम मुसलमान कहलाते हैं तो नमाज पढ़ते, रस्मन हम नमाज पढ़ते, यही रस्मन जाहिरन हो हकीकतन अगर हमने माँ बाप की खिदमत की है तो उसका अजर यही है कि अल्लाह उसके ही बदले में जन्नत अता फरमाए। तो वो बंदा कितना जलील है और वो रुसवा होगा जिसने माँ बाप को बुढ़ापे के जमाने में पाया लेकिन उनसे अपनी जन्नत नहीं खरीदी, वो नुकसान दे रहा। एक ये चीज साथ साथ में इसके साथ ये भी फरमाएगा बाज लोग अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप जल्दी दुनिया छोड़ जाते हैं तो वो खिदमत नहीं कर पाते, उनका भी तस्किरा कि वो तो चाहते थे कि अपने माँ बाप की खिदमत करें खिदमत करें खिदमत करें लेकिन अभी वो जवान हुआ ही नहीं, उससे पहले उसके माँ बाप इस दुनिया से चल दिए,
कहा ये जो दिल में तेरे नीयत थी कि काश मेरे माँ बाप भी मुझे मिलते बुढ़ापे में तो मैं भी उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत खरीदता और जन्नत अपना अपनी आखिरत सवारता, तेरी इस नीयत को भी तेरा रब जानता है, जो कुछ तेरे दिल में वो सब जान। अब आगे इरशाद फरमाया इन तकुनू सारकी, अगर तू लायक हुआ, लायक हुआ का क्या क्या मतलब, मतलब तेरी अच्छी अच्छी नीयतें थी क्या कि भाई मैं माँ बाप की खिदमत करूँगा, उनसे अपनी आखिरत संवारूंगा, काश वो मेरे पास होते तो मैं उनकी खिदमत करता, ये जितनी नीयतें अगर तेरी है, अगर इन नीयतों में से कोई नीयत हुई, हम जब उस काबिल तुझे और उस लायक पाएंगे और जब अपने माँ बाप की खिदमत में इस दौर में भी तूने कोई कोताही कर ली होगी, माँ बाप मिले लेकिन कोई कोताही हो गई, काम नहीं सुना या कोई सामने जवाब दे दिया, लेकिन तू इस लायक था इन तकूनु सालिहीन, तो फिर हम तेरी तौबा को कबूल करें और माँ बाप के खिदमत में जो कमी रह गई है, जब तू हमारी बारगाह में आकर के रुजू करेगा, हमारी बारगाह में आकर के उस गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और हम तुझे उस लायक पाएंगे कि अब तेरे दिल के अंदर हकीकत में माँ बाप की अजमत और इज्जत है, तो फिर हम तेरी तौबा कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने इस बात को भी बयान फरमा दिया। लेकिन ख़ास चीज़ जो हुकूकुल इबाद में है कि अगर माँ बाप किसी चीज़ से नाराज़ हो चुके हैं तो माँ बाप को मनाना पड़ेगा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर वो नाराज़ हो चुके हैं तो। अगर माँ बाप की नाराज़गी के साथ वो माँ बाप इस दुनिया से जा चुके, अब तुझे उसकी कब्र पे भी जा करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये चीज़ है, अगर हमारे माँ बाप हमसे किसी बात में नाराज़ हो चुके हैं और हमें कह दिया है कि अब मत आना मेरे पास या तू हमारे घर में रहने के काबिल नहीं, तो इन तमाम सूरतों के अंदर फिर ये वाला मसला तो ज़रूर आएगा कि तू मस्जिद में आके तौबा कर, लेकिन इसके साथ साथ हम और आपको अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये चीज़ है सर, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों को जानता है और दिलों के हालात को भी जानता है। तो अगर हम और आप माँ बाप की सच्ची खिदमत करें, कैसी, का कुरान ने हुक्म दिया इसलिए हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, इस अंदाज से हम हमारी खिदमत करें तो इससे हमारी दुनिया भी संवरेगी और इंशाल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन की इज्जत और उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ोजल अपने हबीब के सदके उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह।